नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी छात्र छात्राओं का पार्ट टू में प्रमोटेड लग गया था सेशन 2018 से 21 वाले स्टूडेंट का, तो एग्जाम फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट हो गया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे पार्ट टू के प्रमोटेड वाले स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कितना चार्ज लगेगा, कौन से वेबसाइट से आप पार्ट टू का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और पूर्णिया यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, वहीं पर आपको पूरी जानकारी आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। गूगल में आना है, टाइप करना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट टू एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टडी एग्जाम 399। तो सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट टू एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्टेड, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से स्टडी एग्जाम 399.com ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, सबसे ऊपर वाले इमेज पर सबसे पहले क्लिक करके बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक वाले ऑप्शंस पे आना है। जैसे ही आप इम्पोर्टेंट लिंक वाले ऑप्शंस पे आते हैं, ये देख सकते हैं इम्पोर्टेंट लिंक, और ठीक इसी के नीचे आप देख सकते हैं पार्ट टू प्रमोटेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप सेशन 2018 से 21 लिंक जारी। क्लिक यहाँ पर क्लिक करेंगे आप जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, और यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है और कैप्चा डालकर सिंपली लॉगिन करना है। जो भी छात्र छात्राओं को जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड में आपको अपना रोल नंबर डालना है। अगर पासवर्ड नहीं है पता तो फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर रीसेट करना है पासवर्ड। जैसे ही रीसेट करते आपके मोबाइल या लैपटॉप पे कुछ इस तरह से देखने को मिलता एक नया पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड ही आपका पासवर्ड है, यही इसी को आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन में स्मॉल लेटर में डालना है। उम्मीद करते हैं आपको पासवर्ड रीसेट करना और नया पासवर्ड बनाना भी अब आ गया होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड स्मॉल लेटर में लिखना, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा कोड डालिए, लॉगिन कीजिए। इसी तरह से लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डैशबोर्ड खुलकर आएगा, जहां पर प्रमोटेड स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बैक रजिस्ट्रेशन, यहां पर आपको क्लिक करना। अगर आप पार्ट टू में प्रमोट हो गए हैं सेशन 2018 से 21 वाले स्टूडेंट, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा, इस तरह से आ जाएगा। यहां पर आपको अपना बैच सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना सेशन सेलेक्ट करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है जो कि सेकेंड होगा। इस तरह से देखिए यहाँ सेकेंड सेलेक्ट हो जाएगा, फिर एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिसिप्लिन है इसे सेलेक्ट करना, एग्जाम का नाम थोड़ा वेट कीजिएगा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम का नाम आ गया, बीए साइकोलॉजिस्ट सेकेंड से यहाँ पर दिया गया, बैक एग्जाम 2020 इसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद 2020 सिलेबस सेलेक्ट करना और टेम्पलेट्स वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा, जहां पर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म बैक सेशन 2020 से 21 यानी कि पार्ट टू का यह सेशन था, और बैक पेपर वाले स्टूडेंट को 850, प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट को यहाँ पर लग रहा है, तो इस तरह जिसका प्रैक्टिकल नहीं है तो उनको 650 रुपया देना होगा। कॉलेज नेम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर प्रीवियस रोल नंबर, ईयर आपको देखने को मिलता है, फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर, यहाँ पर जो है अपना फोटो डालेंगे और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर डालेंगे। फोटो और सिग्नेचर का साइज 2 MB से कम का होना चाहिए। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फोटो और सिग्नेचर को सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। फाइनली देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर जैसे ही अपलोड किए ग्रीन कलर का यहाँ पर टिक आपका भी लग जाएगा। इस तरह से फोटो सिग्नेचर जैसे ही अपलोड करते हैं यहाँ नीचे देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम, सेशन, फोन नंबर देखने को मिलेगा, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर एंड मदर का नाम, जो भी स्टूडेंट का फादर और मदर का नाम यहाँ मेंशन नहीं रहेगा तो खुद से टाइप करना हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ डे स्टूडेंट का फिलअप पहले से रहेगा, अगर नहीं है तो फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि आपने जो है पार्ट थ्री का फॉर्म फिलअप किया था इसीलिए सारा चीज आपका फिलअप रहेगा। इंस्टीट्यूट यहाँ पर आप अपना नेशनल देख सकते हैं सेलेक्ट है, नेशनलिटी, रिलीजन भी सेलेक्ट है, यहाँ पर जनरल भी सेलेक्ट है, कैटेगरी भी सेलेक्ट है, मीडियम भी पहले से ही सेलेक्ट रहेगा, कुछ इस तरह से देख सकते हैं पहले से ही आपका सेलेक्टेड रहेगा। देख सकते हैं BC2 भी आपका मेल है तो मेल, डेट ऑफ बर्थ डे भी सेलेक्ट रहेगा, एड्रेस, ईमेल आईडी सारा चीज फिलअप रहेगा, डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग है तो यस कीजिए, अन्यथा आप अपने अनुसार से नो कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका फॉर्म पहले से ही फिलअप रहेगा, यानी कि कुछ ही डिटेल्स आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट, जिस प्रमोट
लगा हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट में उसे सेलेक्ट करना होता है, लेकिन इस बार जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी काफी अच्छा काम किया है। जैसे कि जो भी स्टूडेंट का पार्ट टू में प्रमोटेड है वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, पहले से सेलेक्टेड रहेगा। जैसे कि इस स्टूडेंट का पार्ट टू में 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश, यानी कि कंपोजिशन सब्जेक्ट में लगा हुआ था, ये भी पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। इसी तरह से आपका भी रहेगा। नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर प्रीवियस एग्जामिनेशन आपको डिटेल्स पार्ट वन का डालना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पार्ट वन लिखना है और यहाँ पर यहाँ पार्ट वन का जो भी ईयर था उसे सेलेक्ट करना है, पार्ट वन का रोल नंबर, फिर रिजल्ट आपका कितना मार्क्स आया हुआ था उसे यहाँ पर बताना है। अगर आप पार्ट वन में जो है रीचेकिंग के लिए अप्लाई किए थे तो यस करना, अन्यथा नो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सेव। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव वाले बटन यानी कि यहां पर आपको क्लिक करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव कर देंगे किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म में जो है आप अपना बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं, तो सिंपली प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से फिर से आ जाएगा। और यहाँ पर पूरा चीज को अच्छे से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। देख सकते हैं पार्ट वन, यहाँ पर ईयर पार्ट वन का 2019, यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर डालना है, रिजल्ट में कितना मार्क्स आया हुआ था ये चीज देखना। अगर आप लोगों के पास बैक पेपर का रिजल्ट नहीं है, TR बैक वाला नहीं है, तो आप हमें जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर मैसेज कीजिएगा, वहां से आप लोगों को प्रोवाइडेड करा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं। जैसे ही आप सेव करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहां पर आपका पेमेंट देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा सर्च लेगा कुछ इस तरह से और आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 850 रुपए आपको पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे UPI से हम पेमेंट करते हैं, पे नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल से कुछ इस तरह से सक्सेसफुल आ जाएगा आपका पेमेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन ID और प्रिंट करने का एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आपके सामने देख सकते हैं स्टूडेंट का एप्लीकेशन का रिसीविंग, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं 850 रुपए लग गया, पेमेंट रिसीव देख सकते हैं। और यहाँ पर बैक पेपर का यहाँ पर सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट किस किस में जो है इस स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया। अगर आप लोग का रिसीविंग डाउनलोड नहीं होता है, आप जो है studyexam39.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, पार्ट टू प्रमोटेड यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे और कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर फिर से आपको सारा चीज एक बार सेलेक्ट करना, और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर भी आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप जो है प्रिंट कर सकते हैं अपने रिसीविंग को और इसे जो है अपने कॉलेज में जाकर जरूर जमा कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट टू प्रमोटेड, यानी कि बैक पेपर वाले स्टूडेंट कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।